में 50 करोड़ स्ट्रॉज इस्तेमाल करता है, और ये इतनी स्ट्रॉज हैं कि दुनिया का 2.5 चक्कर लग जाए। एक दिन में 2.5 चक्कर, तो एक साल में पूरी अर्थ कंप्लीट हो जाएगी। पर ये स्टाइलिश हैं, ये कन्वीनियंट हैं, ये अच्छी हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉज इस टाइम मरीन लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो जो आप स्ट्रॉ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट तो नहीं होगा। ये भी चांसेस है कि ये कभी रिसाइकल नहीं होगी, क्योंकि इसका प्लास्टिक टाइप 5 है, जो कि रिसाइकलेबल नहीं होता। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों को स्ट्रॉ से पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आपने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे अक्सर स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते करते स्ट्रॉ को चबाना शुरू कर देते हैं, और वो प्लास्टिक उनके मुंह से होता हुआ उनके पेट में जाना शुरू हो जाता है। माना वो उसका काउंट बिल्कुल माइक्रोग्राम्स में होगा, पर इतना माइक्रोग्राम्स प्लास्टिक हमारे बॉडी में जा रहा है, जो कि एक 100% नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन डाइजेस्टिव चीज़ है, जो हम उस ड्रिंक के साथ साथ अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो बिना स्ट्रॉ के अपनी ड्रिंक लें। इससे 2 फायदे होंगे, एक उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और दूसरा वो इस सबसे बड़े पल्यूटर से भी बचेंगे। पर हम स्ट्रॉस को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? हम इस स्ट्रॉ को रिप्लेस कर सकते हैं स्टील स्ट्रॉ से, बाम्बू स्ट्रॉ से, पेपर स्ट्रॉ से, या फिर ग्लास स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ इस्तेमाल ना करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पानी मुंह में घूमता नहीं है, वो सीधा हमारे अंदर चला जाता है। और हमारा मुंह, हम जैसे जानते हैं, सबसे ज़्यादा एल्कलाइन है, और हमारा पेट सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो जितना ज़्यादा हमारा सलाइवा, जितना ज़्यादा हमारी थूक पानी में घुल के या खाने में घुल के हमारे पेट में जाएगी, उतना ही अच्छा डाइजेशन होगा। जो ड्रिंक हम अक्सर स्ट्रॉ से पीते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पेट में जाके उतनी आसानी से पच भी जाए। और जितने भी हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इस चीनी के साथ हमारा सलाइवा मिला हुआ होगा, तो उस चीनी को पचाना उतना ही आसान होगा। मीठा देर में पचने वालों में से है, और हम वही ड्रिंक्स जल्दी जल्दी में पी जाते हैं, और उससे हमारा सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता है। तो जब भी हम कुछ ना कुछ पीते हैं, तो कोशिश कीजिए बिना स्ट्रॉ के पी। पानी पीने का सही तरीका आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है, और इसका बखान राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छे से किया है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहें, तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और रही बात, अगर आप ये टर्टल वाली वीडियो पूरी देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप ये टर्टल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया होगा कि हमारी जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की, हम लोग तो एक सिंपल सी चीज़ से नो टू स्ट्रॉ। तो अगर आपको फिर भी मन हो कि स्ट्रॉ अच्छी है, स्टाइलिश है, बेटर है, आयुर्वेद का ये सिद्धांत ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे मुंह से जितना सलाइवा हमारे पेट में जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा डाइजेशन होगा। तो अपने डाइजेशन के लिए स्ट्रॉस को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इतने कारण काफ़ी हैं कि आप ये स्ट्रॉ को इस्तेमाल करना बंद कर दें, या मैं कुछ और कारण ढूंढूं। इसी तरह की और पोल्यूशन के सल्यूशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कारण पसंद आए या नहीं आए। और ये छोटी सी चीज़ क्या हम अपने लाइफस्टाइल में बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। शुक्रिया।